ये आइटम नंबर जो बोलते हैं एक्चुअली डॉक्टर साहब जिस तरीके के डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी वो मानते नहीं है कि आइटम सॉन्ग ही हो, तो उन्होंने मुझे एक नहीं तीन तीन गाने दे दिए हैं और सूत्रधार भी बना दिया है. कहानी इन तीनों गानों के द्वारा आगे बढ़ती है. एक फुल फ्लेज्ड सॉन्ग है, बाकी दो गाने ऑल्सो यू विल सी मी इन द फिल्म. एंड मैं डॉक्टर साहब के साथ बहुत पहले से काम करना चाह रही थी, अप्रोच मी फॉर पिंजर. उस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी थी तो हो नहीं पाया था. तो अब इस बार ऐसा हुआ दैट 80% ऑफ द फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 90%. और सुखविंदर जी ने उन्हें पूछा कि सर आपके फिल्म में गाने हैं कि नहीं, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि गाने तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, फिल्में तो इनकम्प्लीट होती है गानों के अगर गाने नहीं होते हैं. तो जब उन्होंने कंपोज किए गाने गाए, आई थिंक द फर्स्ट पर्सन ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ इज मी व्हेन इट कम्स टू डांस बिकॉज ही नोज आई एम अ ट्रेन डांसर. तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है व्हाटएवर यू से सर, बिकॉज उनके साथ काम तो करना ही था मुझे. एंड या सो दैट्स हाउ मुझे अच्छा ये लगा कि एक राजस्थानी लुक है मेरा, आइटम सॉन्ग है भी और नहीं भी. एंड एट द सेम टाइम जो गाने हैं आई एम श्योर दर्शकों को बहुत अच्छे लगेंगे. एक थोड़ा मॉडर्न है, फ्यूजन टाइप में है, और एक है थोड़ा सा सूफियाना अंदाज में. दो गाने हैं बिकॉज हमारे जो फिल्म में किरदार है द मेन पंक्चर वाले का जो किरदार आदिल हुसैन निभा रहे, सो ही इज मुस्लिम, सो अ लॉट ऑफ दैट ब्यूटिफुल टच ऑफ यू नो सूफियाना अंदाज. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट एज अ सॉन्ग ऑल्सो. वेल सुखविंदर जी इज अ ग्रेट परफॉर्मर ऑन स्टेज, आई हैव सीन हिम परफॉर्म एंड आई थिंक ये कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन उन्होंने सर ने निकाला दैट ही थॉट दैट यू नो देयर इज ऑलवेज अ फोक सिंगर और एक फोक डांसर होती है, कैसे इन लोगों को जोड़ा जाए, बिकॉज तब जाके कुछ अलग बना है फिल्म में. मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि यू नो केक बन गई उसके बाद आइसिंग लगा रहे थे, अब तो हम लोग ऐसे हो गए, वी आर दी आइसिंग ऑन द केक. एक्चुअली मैं मजाक भी कर रही हूँ, ये होता ये था दैट जितने एक्टर्स ने इस फिल्म में हार्डली कोई मेकअप किया होगा मैंने उतना ही ज़्यादा किया, इन द सेंस नॉट विथ जस्ट माई लुक फॉर हेयर एंड मेकअप, जो आउटफिट्स मैंने पहने हैं उसकी ज्वेलरी हो, इतने सारे टैटूज हैं मुझ पर, तो आई थिंक मैं ऐसे ही हवाले सबके बैठ जाती थी. देयर वर सो मेनी पीपल गेटिंग मी रेडी 3 hours ओनली टू गेट द टैटूज राइट, टू गेट ऑल द बेसिक्स राइट, क्योंकि लुक हमें इस्टेब्लिश करना था दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान. जैसे आप देखेंगे वो राजस्थानी एक फील आ ही जाता है जो एक फोक डांसर में होता है, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस कहानी को यू नो आगे ले जाने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इंस्पेक्टर राजेश चौधरी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का कमांडो, जो प्राइम मिनिस्टर का कमांडो है लेकिन उसे स्पेशल ड्यूटी दी जाती है, उसे एक आम आदमी का कमांडो, आम आदमी की सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया जाता है. तो अपने आप में ये एक इसके जीवन में उथल पुथल जैसी सिचुएशन है कि कहाँ से उठा के कहाँ डाल दिया, लेकिन यही इंटरेस्टिंग भी है, यही कहानी भी है. आपको तो पता है कमांडो की जिंदगी कितनी मुश्किलें होती है, तो आपने किस तरह का रिसर्च किया उसके ऊपर, कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी? भाई अब ऐसा है कि जैसे ही फिल्म ऑफर हुई उसके तुरंत बाद थोड़े ही दिनों बाद फ्लोर पे चली गई, तो मेरे पास कुछ समय था कि कम से कम CRPF हेडक्वार्टर्स जाऊं, वहाँ के DG साहब से मिलूं. राजस्थान गया, सुनील सिंह जी मिले, चावला साहब मिले, उन्होंने काफ़ी मदद करी, रिसर्च में मेरी हेल्प करी कि भाई रैंकिंग ऐसे होती है, सल्यूट ये होता है, इस रैंक के बाद ये रैंक मिलता है, CRPF का फाउंडेशन कब लीक किया गया था, इट वॉज फर्स्ट द क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स फॉर द ब्रिटिश, देन सरदार पटेल टर्न्ड इट इनटू द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. तो मतलब जो कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री तो मालूम हो कम से कम, तो वो जाकर के तैयारी करी जितना भी समय था हमारे पास. बाकी हमें जहाँ तक सारे मुश्किल चीज़ें करने का समय तो मिला नहीं, बट ये है कि खुद भी कसरत करते हैं, बहुत करते हैं, अच्छे से फिट रहते हैं, तो वो सारा सब कुछ इस किरदार में काम आया. चंद्र प्रकाश जी ने आपको किस तरह से गाइड किया या ब्रीफ किया काम? अच्छे काम के लिए काफ़ी ना अच्छे निर्देशक की पहचान मुझे ये लगता है ये होती है, और ये शायद मैं इसलिए समझ पाया क्योंकि मैंने शुरुआत श्याम बेनेगल साहब के साथ करी कि उनकी प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में आप सही दिशा में जा रहे होते हो. ज़्यादा बताते नहीं हैं, वो एक बार बताते हैं आपको समझ में आ जाता है और फिर आप बस उस करंट में बहते हो. आपकी बात करें तो सिनेमा क्या है? सिनेमा क्या है? एक अच्छा सिनेमा क्या है? अच्छा सिनेमा वो जो जीवन को दर्शाए और साथ में मनोरंजन दे जाए, और सोने पे सुहागा उसमें तब होगा जब साथ में कोई संदेश भी दे जाए. आज
आजकल जो है सिनेमा के लिए प्रमोशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, तो आप उसमें कितना बिलीव करते हैं? सिनेमा को प्रमोट करना चाहिए और ख़ास करके अच्छे सिनेमा को, मैं दोबारा अपनी लाइन बोलूँगा, अच्छे सिनेमा को वाकई प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास काफ़ी ऐसी बंडल कहानियाँ भी हैं जो कि कमाल कर रही हैं, और कमाल करने का हक सबको है, सब अल्लाह मियाँ के बंदे हैं, हक सबको है, लेकिन जो वाकई आपको किसी को भी फ़र्क पता चल जाता है कि यार इसमें वाकई कितनी मेहनत और कितना दिमाग और कितना कुछ गया है, तो आई थिंक उसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक आदमी तक पहुँचाना तब तक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आई थिंक आप लोग मीडिया पत्रकार इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली आदमी, कई बार मैंने ये देखा है आदमी कहता है अरे यार वो फिल्म मैंने थिएटर में मिस कर गया, कितनी बढ़िया फिल्म थी है, अब वो कोई तो कारण होगा जिसलिए मिस कर गया, वो क्यों कर गया, अगर वो नहीं करता तो इस तरह का अच्छा सिनेमा और चलता और अच्छा करता और इस तरह की चीज़ें और बनती और मज़ा आता। थैंक यू सो मच। आके आप देखेंगे बहुत ही मजेदार फिल्म है, बहुत हिलेरियस है, अब हंस के हर एक दो मिनट में आप हंसोगे या शायद ज्यादा, एक मिनट में शायद हंसोगे, और मैं चाहता हूं कि इस समय ये फिल्म हमारे देश के लिए देश के हर एक इंसान को मेरे ख्याल से ये फिल्म देखनी चाहिए। नाम तो मेरे ख्याल से जो सुबह उठ के टीवी सुनते हैं या रेडियो सुनते हैं या अखबार पढ़ते हैं उनके लिए ये नाम जो है जेड प्लस वो बहुत ही फेमिलियर है, या जेड सिक्योरिटी बहुत फेमिलियर है, क्योंकि हम अखबारों में सिर्फ पॉलिटिक्स की ही न्यूज़ पढ़ते हैं अक्सर, और इस वजह से, और ये फिल्मी है जेड प्लस होने के लेने के या थोपने के बाद किरदार के साथ क्या होता है, तो इस वजह से डॉक्टर साहब ने जेड प्लस चुना, नहीं तो असलम पंचरवाला होता उसका नाम, लेकिन जेड प्लस इस वजह से है कि नाम अंग्रेज़ी में भी है और हम जो हिंदी भाषी लोग हैं जो अंग्रेज़ी अक्सर में अंग्रेज़ी में बात नहीं करते उनको उनके मन में उनके जहन में ये शब्द काफ़ी पॉपुलर है। अरे बाप रे मत पूछिए हमको, आप तो हम तो परेशान रह गए, मतलब लीड एक्टर होने के से जो जिम्मेदारी अपने आप मैं महसूस करता हूँ, मैंने डॉक्टर साहब को ये भी पूछा कि सचमुच आप मुझे लेना चाहते हैं इस फिल्म में, कोई स्टार को क्यों नहीं ले रहे हैं आप, वो कह नहीं कहानी स्टार है और कहानी जो है सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, और कहानी और मैं अपना मेरे जो ट्रेनिंग है NSD में हो या मेरे टीचर्स जो रहे हैं नसीरुद्दीन शाह बैरी जॉन खालिद तैयब जी, जो उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि कहानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि एक्टर इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और कहानी की वजह से जो फिल्म चलनी चाहिए कहानी की वजह से चलनी चाहिए, क्योंकि कहानी ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके वजह से समाज में या समाज में रहते हुए लोगों को कुछ आप दे सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो एज एन आर्टिस्ट। सो इस वजह से मेरे ख्याल से मुझे वो घबराहट जो थी वो चला गया और मैंने सोचा कि ठीक है मुझे रोल करना है, लंबा रोल है, अक्सर मैं छोटा रोल करता हूँ, लंबा रोल है तो लंबे रोल के लिए जितना मुझे कष्ट करना पड़ा या मुझे रिसर्च करना पड़ा या डायरेक्टर साहब के साथ काम करना पड़ा वो करके हम मस्ती से करें। एक्सेलेंट, डॉक्टर साहब के साथ काम करना इतना मज़ेदार है इसलिए क्योंकि वो बहुत क्लियर है और उनका स्क्रिप्ट जो है इतना मेहनत से लिखते हैं वो, 2 साल, ये मेरे ख्याल से 23वां या 24वां वर्जन है स्क्रिप्ट का, और स्क्रिप्ट में शब्द अगर ऐसे लिखे गए हैं, एक भी शब्द उन्होंने मुझे कहा कि एक भी शब्द आप चेंज नहीं कर सकते आदिल साहब, मैंने कहा एक भी नहीं करेंगे क्योंकि हम शेक्सपियर करते हैं,
और हम कालिदास के नाटक कर चुके हैं, वहाँ शब्द के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आपने पिछले 2 साल से शब्द लिखे और मैं 1 महीने में 1 दिन में आके उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, इतना दृश्यता मेरे पास नहीं है। और अगर आप शब्द ठीक से बोल लेंगे ना तो एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो बिल्कुल सच बात है कि अगर आप शब्द अगर समझ के उनके रिदम को समझ के और सिचुएशन जो है उसका उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप एक्ट मतलब सिर्फ बोलें उतना ही काफ़ी है, इतना मज़ेदार इतना मजबूत या इतना स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। आखिर में ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे? मैं कहूँगा कि जेड प्लस देखिए और मस्ती करिए और घर पे जाके शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा। अच्छा हंस तो लिया हम लोगों ने, अपने ऊपर ही हंसा क्या हम, मतलब डिड वी लाफ एट अस? यस वी विल लाफ एट अस। हम अपने ऊपर हंसेंगे, लोगों के ऊपर हंसेंगे और आपके अंदर जो खूबी है, आपके अंदर जो मासूमियत है उसको भी उभार के लाएगा और अपने आप को ज्यादा शायद जज नहीं करेंगे, अपने आप को आपके खामियां के बावजूद शायद आप अपने आप को जज नहीं करेंगे और जिस जो आपके दोस्तों के अंदर खामियां हैं उसको भी आप थोड़ा सा प्यार से देखेंगे, ना कि आप गाली देंगे उनको। एब्सोल्यूट प्लेजर। जेड प्लस सिक्योरिटी होती है जो ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है। हमारी फिल्म भी इसी विषय पे है। असलम पंचरवाला जो एक आम आदमी है, पंचरवाला है तो आम आदमी नहीं, उसने प्रधानमंत्री से क्या कहा कि उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई और मैं जो उनकी बीवी बनी हूँ हमीदा पिक्चर में, मैं उनके पीछे बढ़ जाती हूँ कि ऐसा तुमने क्या कह दिया कि तुमने जेड सिक्योरिटी मिल गई, मतलब तुम क्या हो, अनाज मांग लेते घर के लिए, पखाना बनवा लेते, चिकन ले आते, कुछ और मिले थे, जेड प्लस क्यों मांगी, क्या फ़ायदा है। सो द स्टोरी इज़ अ ब्यूटिफुल सटायर, ये एक व्यंग है, कॉमेडी नहीं कहूँगी, व्यंग इंटेलिजेंट ह्यूमर है इसमें। तो आई वॉन्ट कि सब जाए थिएटर में और इस फिल्म के मज़े लूटें। आपने टीवी शोज किया है, फिल्में की है, लेकिन इस फिल्म में आपको क्या अलग लगा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं अच्छी फिल्में चुन सकती हूँ, मैं चूजी हूँ काम के लिए। तो ये पिक्चर मैंने इसलिए चुनी क्योंकि बहुत ही रेयर होता है कि आपको इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट ऑफर की जाए एंड इंटेलिजेंट रोल और इतना स्ट्रॉन्ग किरदार। नॉर्मली पिक्चर में लड़कियों का काम थोड़ा कम होता है, इट्स मोस्टली हीरो ओरिएंटेड फिल्म, लेकिन इसमें मेरा कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थ्रू आउट द फिल्म आप देखेंगे कि क्या ग्रोथ हुई है हमीदा की एज एन एक्टर, एज ए कैरेक्टर। सो इसलिए मैंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहा। एंड ऑल्सो डॉक्टर साहब की फिल्म है तो अलग तो होगी, इंटेलिजेंट भी होगी, सो दैट्स वाई। आपको हमेशा से अलग किरदार में देखा गया, इसमें देखा गया कि आप एकदम सिंपल किरदार निभा रहे हैं, अरे सिंपल लड़की का, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सिंपल से भी एकदम डाउन है। मुझे डॉक्टर साहब ने बोला आप अपने बाल नहीं खोलोगे, कोई लटे आगे नहीं करोगी और जो तुम्हारा ये गोरा चेहरा हम उसको काला करेंगे। तो मुझे काला किया गया है, 3 shades डार्कर। कपड़े जो हैं वो 2 महीने से चाय पत्ती के पानी में डाले हुए थे ताकि वो पुराने दिखे, एजिंग आए कपड़ों की। तो आप भाई डॉक्टर साहब इतना कहते हैं, हाँ इतना, और तुम चप्पल नहीं पहनोगी, तुम नंगे पैर चलोगी पूरे गांव में, ऐसे लोग के तो मतलब हार्डकोर गांव वाली दिखाई गई है। और मेरी खुद जूतियों की शॉप है। डॉक्टर साहब का ये भी मानना था कि यूजुअली जब पिक्चर बनती है तो हीरो हीरोइन को काम करते हुए नहीं दिखाते, मतलब मिल गए, प्यार हो गया, शादी हो गई, गाने हो गए, काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। सो मेरी ऑक्यूपेशन है, मेरी जूतियों की शॉप है,
दिन का 100 या 200 कमाती हूँ और घर चलाती हूँ। पूरी डिटेल के साथ बनाई गई है, डॉक्टर साहब ने बनाई है, नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस था? अरे मैं तो मतलब कोई प्रेशर था आपके ऊपर? सातवें आसमान में थी, मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब वांट्स टू कास्ट मी एज अ हीरोइन ऑफ दिस फिल्म। जब हम लोग एक्चुअली मंडावा पहुंचे शूटिंग करने के लिए, तब मुझे लगा बाप रे क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब इम्प्रोवाइजमेंट नहीं देते हैं, जैसी लाइन लिखी है आपको वैसी ही बोलनी है, तो की का फिर कुछ आप ऐड नहीं कर सकते हैं। एक्टर का काम है लाइन पढ़े और जाके एक्टिंग करें। सो दैट इज़ वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम, क्योंकि क्या होता है अक्सर टीवी में लाइनों को आप थोड़ा बहुत इधर उधर बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल बदलने दिए नहीं दिया। और मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि डॉक्टर साहब और जो हमारे राइटर हैं राम सिंह, वो 2 साल या 2.5 साल से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम एक सेकेंड में यार बोले सर ये लाइन अच्छी नहीं है मैं चेंज कर रही हूँ, कोई हक नहीं है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था जो एज एन एक्टर हम सब ने लिया, और डायलॉग्स पूरे वैसे के वैसे बोले हैं, बड़े मुश्किल मुश्किल हैं लेकिन मज़ा आया करने में। फिल्म में आदिल जी आपके साथ, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? पहले श्रीदेवी के साथ काम कर चुके हैं? हाँ श्रीदेवी के साथ काम कर चुके हैं, लाइफ ऑफ पाई में काम कर चुके हैं, इज अ ग्रेट ब्रिलियंट एक्टर। इनफैक्ट जब मैं आदिल जी को मिली और उन्होंने मुझे बोला कि चलिए हम रिहर्स करते हैं, तो मैं बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं NSD से हैं, इतने सीनियर हैं, क्या कैसे रिहर्स करूँ, मैं केड़े से नहीं आई हूँ। सो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इस फिल्म में। जब हमारा गुस्से वाला सीन होता था तो आदिल जी और मैं हंस के वो सीन को रिहर्स करते थे, तो मैंने उनको बोला ये हंस के रिहर्स क्यों कर रहे हैं, तो ही सेड कि एज एन एक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड अनलर्न द ग्राफ। क्या पता आप एक तरह से रिहर्स कर रहे हैं और जो हमारे डायरेक्टर जी हैं वो कुछ और आपको करने को बोले तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि आप दिमाग में ऑलरेडी वो पिक्चर बना के जा रही हैं कि ये गुस्से वाला सीन है मैं गुस्से से करूँगी। सो दैट वॉज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम आदिल, एंड आई थिंक उन्हीं की वजह से मुझे ये बात लगी कि मुझे भी थिएटर करना चाहिए। तो इस बात का एहसास हुआ था एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी थिएटर में थोड़ा रिहर्स करें, प्रैक्टिस करें अपने आप को और उनका अपनी परफॉर्मेंस करें, तो मैं थिएटर भी कर रही हूँ। आखिर मैं अपने ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में इतना कुछ कह दिया, आई जस्ट होप कि आप लोग सब जाएं हमारी फिल्म को देखें, सहारें 1 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, मुझे बहुत ही उम्मीद है कि आप लोग सब जाएंगे, बिकॉज आजकल की जो ऑडियंस है वो बहुत ही स्मार्ट है, उन्हें कोई नॉनसेंस पसंद नहीं है, जो फिल्म अच्छी नहीं लगती फट से बोल देते हैं। तो मैं इस बात का दावा करती हूँ कि आप जब इस फिल्म को देखने जाएंगे आप बहुत मज़े लेंगे। सो प्लीज़ गो, हम सब ने बहुत मेहनत की है एंड आगे तो डिसीजन आपका ही है। थैंक यू।